हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने अपने घर के छत पर ही उगाए हुए हैं ये बैंगन। और मैं आज बना रही हूँ बैंगन का भरता ग्रेवी स्टाइल में। मैं अभी अब आपको बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने दरदरा मसाला पीस कर एकदम रेडी कर लिया है। और इसको बहुत ही ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा टाइप सा रखना है इसको, ऐसे। तो चलिए, मैं अब आपको इनको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल ठीक इसी तरह से हम सभी बैंगनों को काट कर रेडी कर लेंगे। अंदर से एकदम कच्चे हैं और इनमें बीज भी नहीं है। ये देखिए, तो चलिए मैं सारे आपको काट के दिखाती हूँ। और इनके डंठल समेत मैंने इन्हें काट कर रेडी कर लिया है। चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। अब मैं कढ़ाई में सरसों का 2 चम्मच तेल डालूँगी। हमें ज़्यादा तेल में भी फ्राई नहीं करना है इनको। अब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और इसमें मैं कटे हुए बैंगन फ्राई कर 2 मिनट के लिए इनको अच्छे से फ्राई कर देंगे। अब ये फ्राई हो चुके हैं, इनको हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इसी तेल में हम थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे। अब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, मैं डालूंगी इसमें डेगी मिर्च, जिससे ग्रेवी का कलर भी अच्छा आ जाए। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी पिसा हुआ मसाला। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें सारे मसाले डाल लेंगे हम। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, और धनिया तो हम पहले से ही डाल चुके हैं मसाला पीसते समय। अब इसको हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। मसाले को हमें तब तक भूनना है तब तक मसाले से तेल सेपरेट ना हो जाए। ऑनलाइन तेल भी छोड़ दिया है, मसाला भूनकर एकदम रेडी है। इसको मैंने 3 मिनट के लिए पकाया है। अब इसमें हम जो बैंगन हमने फ्राई किए थे सैलो फ्राई, उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए, मसाले में 1 मिनट के लिए ऐसे ही भुनेंगे। ऐसे ड्राई भी बहुत टेस्टी लगेगा खाने में, वैसे तो पराठा पूड़ी के साथ, लेकिन मैं इसमें थोड़ा पानी और ऐड करूंगी, 1/2 कप। अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है 1 मिनट भुनने के बाद मसाले में। और इसको हम अब अच्छे से मिक्स करके, इसको पकते हुए लगभग 5 मिनट हो चुकी है। चलिए इसको चला के देख लेते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला 1/2 चम्मच। अब मेरा ग्रेवी वाला बैंगन का भरता बनकर रेडी है। अगर हम इसको ज़्यादा पकाएंगे तो ये एकदम से दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ा 1-2% इसको कच्चा ही रखना है। तो चलिए मैं इसको आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना टेस्टी और डिलीशियस बना है। आप इसको पूरी पराठा किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, चावल के साथ भी खा सकते हो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। ये देखिए बैंगन का भरता बनकर एकदम रेडी है। ये सब्जी खाने में बड़ी ही टेस्टी और डिलीशियस लगती है, ग्रेवी वाला बैंगन का भरता। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।